तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं धार से, जहां भोजशाला का एएसआई सर्वे दूसरे दिन भी जारी है और एएसआई की टीम भोजशाला में सुबह से ही मौजूद है। परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सर्वे का काम सूर्यास्त तक किया जाएगा। आपको बता दें इस दौरान इलाके की निगरानी के लिए 60 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। शुक्रवार को एएसआई की टीम ने सर्वे की जगह को चिन्हित किया है। दोपहर में जुमे की नमाज से पहले सर्वे टीम भोजशाला से बाहर आ गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका पर अर्जेंट हियरिंग की मांग सुप्रीम कोर्ट में की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। तो आपको बता दें कि भोजशाला में भी ज्ञानवापी के तर्ज पर एएसआई जांच हो रही है। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे का जो आदेश है वो इंदौर की खंडपीठ ने दिया था, जिसके बाद यहां पर जांच की जा रही है। 60 से ज्यादा कैमरों की मदद ली जा रही है। अलग अलग जगह चिन्हित किए गए हैं। 25 चौराहों पर पुलिस को यहां पर फिक्स प्वाइंट पर। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेश कुमार। लोकेश, तो भोजशाला की जो कार्रवाई है लगातार जारी है, सर्वे का काम शुरू हो गया है, दूसरा दिन है, क्या कुछ अब तक पूरी अपडेट इस खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो था सर्वे का पहला दिन था। एएसआई की टीम कल सुबह भी 6:25 पर भोजशाला के अंदर अपनी टीम के साथ चली गई थी और दोपहर 12:30 तक उन्होंने भोजशाला का सर्वे किया था। दोपहर बाद नमाज की कहानी थी, इसलिए वहां से सर्वे टीम चली गई थी। आज सुबह दूसरा दिन था। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एएसआई की टीम के द्वारा ये अपडेट नहीं दी जा रही है कि हम सर्वे कल करेंगे या न करेंगे। कल भी वो टीम जब गई उसके बाद कोई जानकारी नहीं थी कि सर्वे होगा, लेकिन सूत्रों के साथ मिली जानकारी से हमें ये पता था कि आज सर्वे फिर चालू होगा। आज सुबह फिर वापस 6:30 लगभग एएसआई की टीम के साथ उनके जो वर्कर हैं, उनकी जो मजदूर की टीम थी, वो भी आज अंदर गई है। तो कुल मिलाकर सुबह से फिर सर्वे का काम आज वापस पुनः प्रारंभ हो गया। मैं आपको बता दूं कि जो याचिकाकर्ता हैं इस भोजशाला के हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा और आशीष गोयल, वो भी उस सर्वे की टीम में शामिल है। साथ ही आज एक नई चीज और बता दूं आपको मैं कि जो मुस्लिम पक्षकार के ओर से मुस्लिम पक्षकार की जो याचिका दायर जिन्होंने की थी, जिनका नाम अब्दुल समद है, सदर अब्दुल समद, जिनको कल भी एएसआई की टीम द्वारा सूचित किया गया था, उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया था कि आप भी यहां पर इस सर्वे में आप शामिल हो सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन कल वो नहीं हुए थे। आज वो जरूर सुबह इस सर्वे में शामिल हुए हैं। तो अब सर्वे का काम प्रारंभ है और अब इसके बाद अब धीरे धीरे जो कार्बन डेटिंग है और जो जीपीएस है, जीपीआरएस है, जो सिस्टम्स है, जो खुदाई के सिस्टम है, वो धीरे धीरे अब मूर्त रूप लेंगे। 6 हफ्तों की ये सर्वे करने का काम इनका है और ये जारी सतत रहेगा। जी 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 बिल्कुल लोकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।